मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं इमरान सैफी। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आज हम एक्सप्रेसवे के बारे में, मतलब एक्सप्रेसवे जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे जो सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भारतमाला के अंतर्गत ये एक्सप्रेसवे आने वाला है और सबसे हाई लेवल एक्सप्रेसवे ये सरकार बनाएगी जो दिल्ली से अमृतसर के लिए जाएगी, मतलब पंजाब और हरियाणा से होता हुआ ये निकलता हुआ एक्सप्रेसवे जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है जो सरकार ने रखी है वो 575 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो दिल्ली से अमृतसर कटरा तक तैयार होगा। और इसकी जो लागत रखी गई है सरकार ने, जो इसकी लागत जो इसमें आनी है और भी लागत इसमें आएगी, वो 30,000 करोड़ रुपए भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको दे दी गए हैं। और जल्द से जल्द मैं आपको बता दूं कि इसकी जो DPR है, जो DPR है वो तैयार करने के लिए कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। और जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है उस कंपनी का नाम है फीडबैक इंफॉर्मेशन लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी जल्द से जल्द जो है DPR तैयार कर उसके बाद में जो भूमि अधिकरण का जो कार्य है वो अधिकरण कार्य शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे कि आज आपको पता है कि आज हालात क्या है देश के अंदर, क्योंकि कोरोना वायरस का आज संकट है हमारे देश के अंदर, इसी को देखते हुए सरकार ने जो है निर्णय लिया है कि धीरे धीरे जो है जो काम है जो एक्सप्रेस वे जो रुके हुए हैं उन पर कार्य शुरू किया जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो हरियाणा से होके ये गुजरेगा एक्सप्रेसवे, आपको 170 किलोमीटर ये एक्सप्रेसवे निकलेगा और हरियाणा के 6 जिलों से होके ये गुजरेगा एक्सप्रेसवे। और पंजाब 30 किलोमीटर लंबा, मतलब जो है ये तुम्हारा रहेगा आपका 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे तैयार होगा। और आपको एक खास बात और बता दूं, जो भक्त है श्री माता वैष्णो मंदिर के, जो भक्त है जो मंदिर जाना चाहते हैं और रास्ते से जाते हैं बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, तो सरकार ने ये भी बहुत बढ़िया निर्णय है कि इस प्रोजेक्ट पर तैयार होगा और प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद में जो भक्त श्री माता वैष्णो मंदिर के जो भक्त है जो मंदिर जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं उनको ये रास्ता जल्द से जल्द जो कठिनाइयाँ उन्हें होती है वो इसको कम समय में जल्दी तय कर पाएगी। तो दोस्तों ये है आपका दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे जो मई के अंदर जो है काम जल्दी शुरू होने वाला है। इसकी DPR भी तैयार हो चुकी है। अब जो कार्य होगा वो होगा भूमि अधिकरण का कार्य होगा। और जैसे ही लॉकडाउन देश के अंदर खुलेगा, लॉकडाउन ख़त्म होते ही आपका जो कार्य है वो DPR और भूमि अधिकरण का जो है दिल्ली से पंजाब तक अमृतसर कटरा जितनी भी ये क्षेत्र पड़ते हैं इनकी सबकी भूमि अधिकरण शुरुआत हो जाएगी। दोस्तों ये है दिल्ली एक्सप्रेसवे जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है और 575 किलोमीटर सरकार इसको तैयार करेगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से गांव से ये तैयार होके गुजरेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली अमृतसर कटरा के एक्सप्रेसवे के बारे में ही हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें सारी जानकारी और आपको देंगे कि उसके अंदर कौन कौन से गांव होके गुजरेगा और कितने जिलों से ये होके गुजरेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।